इजराइल और उसके चारों तरफ बसे इस्लामी मुल्कों में पहले से ही 36 का आंकड़ा रहा है। न मुस्लिम देशों को इजराइल सुहा और न कभी इजराइल ने भारत की तरह इन मुल्कों की लल्लो चप्पो की। इसके विपरीत जब तक इन देशों ने इजराइल के हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश की, उसने पूरी ताकत से इसका जवाब दिया है, जिसकी वजह से इजराइल की सीमा से लगे इन मुल्कों में तो इजराइल का डर रहता ही है, अन्य इस्लामी मुल्कों की भी इस यहूदी राष्ट्र से घिग्गी बनती है। ईरान और इजराइल के बीच लंबे समय से तनातनी रही है। दोनों देश एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाए। हालांकि भारत ने इजराइल और ईरान को एक बार बहुत पास ला दिया था, मगर अब फिर से हालात पलटी मार गए हैं, जिससे पुराने दौर की दुश्मनी फिर से जागृत हो गई है। वैसे इजराइल के पास अब ईरान को सबक सिखाने का मौका भी है। ईरान के इस ऐलान के बाद कि वह अपना यूरेनियम भंडार बढ़ाने जा रहा है और 2015 में वैश्विक शक्तियों के साथ हुए किसी समझौते को नहीं मानेगा, इजराइल की भरकुटी तन गई है। यद्यपि ईरान ने ऐसा करने के लिए समय सीमा 60 दिन रखी है, मगर इजराइल को अब ईरान नागवार गुजर रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है, अगर ईरान समझौते से तय सीमा से ज्यादा यूरेनियम संग्रह करता है तो उस पर और प्रतिबंध लगने चाहिए। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा मात्रा में यूरेनियम संग्रह का केवल एक ही उद्देश्य होता है, वह है परमाणु बम बनाना। नेतन्याहू का एक और मिश्रित बयान भी साथ में आया है कि यदि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश करता है तो वह इजराइल का सबसे बड़ा शत्रु माना जाएगा। लेकिन मामला यहां तक नहीं है। ईरान की घेराबंदी के लिए जिस प्रकार अमेरिका पूरी ताकत लगा रहा है, वहीं एक देश ऐसा भी है जो भीतरखाने ईरान से गलबैयां कर रहा है। यानी जब दुनिया के देश ईरान से संबंधों में सतर्कता बरत रहे हैं, पाकिस्तान और ईरान में एक दूसरे के मुल्क में यात्राओं का आदान प्रदान चल रहा है, वह भी तब जबकि पिछले 5 महीने तक दोनों मुल्कों के बीच तलवारें खिंची हुई थी। 21 अप्रैल को इमरान खान 2 दिवसीय यात्रा पर ईरान पहुंचे थे। इससे पहले मार्च के महीने में रेल मंत्री शेख रशीद ने 3 दिनों की यात्रा की थी। यह यात्राएं ऐसे वक्त हुई जब अमेरिका प्रतिबंधों की तलवार ईरान पर लटकने का अंदेशा जताया जा रहा था। यानी पाकिस्तान को अंदेशा हो चुका था कि अमेरिकी प्रतिबंधों की ईरान पर गाज गिरते ही भारत, अफगानिस्तान और जापान जैसे उसके विरोधी मुल्क एक ही झटके में ईरान से दूर चले जाएंगे। उसके बाद पाकिस्तान को अपनी पींगे ईरान के साथ बढ़ाने में पूरा मौका मिलेगा। वैसे भी पाकिस्तान और ईरान के बीच होने वाला व्यापार कुछ 100 करोड़ डॉलर का है। ऐसे में पाकिस्तान के पास खोने को कुछ नहीं था, यानी उसके हाथ में लड्डू ही लड्डू थे। पाकिस्तान का परमाणु ट्रैक रिकॉर्ड बेहद खराब रहा है। उत्तर कोरिया को पाकिस्तान द्वारा बेची गई परमाणु तकनीक आज सर्वविदित है और संभवतः अब उसकी पुनरावृत्ति वह ईरान के साथ करने जा रहा है। ईरान जिस प्रकार यूरेनियम को संग्रह करने का ढिंढोरा पीट रहा है, वह उसके अकेले अपने वश की बात नहीं है। जरूरी हो कि इसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीछे से उसकी मदद कर रहा है। अगर दुनिया ने पिछले 3 महीनों से ईरान के बयानों पर गौर किया हो तो इस शिया मुल्क ने पाकिस्तान के प्रति बेहद दोस्ताना अंदाज वाले बयान दिए हैं। बड़ी बात यह है कि जिस चारबाग बंदरगाह में भारत ने 130 करोड़ डॉलर फूंक डाले, ईरान ने भारत को ठेंगा दिखाते हुए इस बंदरगाह को गवादर पोर्ट से जोड़ने का वक्तव्य तक दे दिया। खास बात यह है कि ईरान के पास इतनी वैज्ञानिक क्षमता भी नहीं है जिसके बलबूते वह अपने दम पर परमाणु बम का निर्माण कर सके। इसके लिए उसे किसी परमाणु संपन्न मुल्क की सहायता की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। जानकार कहते हैं कि ईरान ने भारत से अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी ऐसी ही मदद मांगी थी, मगर भारत ने ईरान को इसके लिए स्पष्ट इनकार कर दिया था। लेकिन दोगला पाकिस्तान किसी भी शर्त पर भारत को ईरान से दूर करने की सोच के चलते ऐसा कदम उठाने से गुरेज नहीं करेगा। ऐसी भी संभावना है कि पीछे से चीन भी पाकिस्तान को सहारा दे रहा है। मतलब साफ है, अमेरिका केवल ईरान की घेराबंदी के ताने बाने बुन रहा है, जबकि इस सब के पीछे कुछ और शक्तियां ईरान को मजबूत कर रही है, वह भी तब जबकि ईरान में एक रोटी 25,000 रियाल में जा पहुंची है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है और बेरोजगारी का आंकड़ा बेताशा बढ़ गया है। बड़ी बात यह है कि इजराइल को अब कुछ संदेह ईरान और पाकिस्तान को लेकर हुआ है। सूत्र बताते हैं कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को कुछ अस्पष्ट सबूत पाक और ईरान के बीच पक रही खिचड़ी को लेकर मिले हैं, जिसके बाद ईरान को इशारों में बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है। पाकिस्तान जानता है कि भारत और इजराइल का संबंध अटूट है, जबकि ईरान और भारत के रिश्ते भी खास रहे हैं। वह यह भी जानता है कि इजराइल और ईरान में अन्य मुस्लिम देशों की तरह ही शत्रुता है। ऐसे में पाकिस्तान
चालबाजी के साथ इजराइल और भारत के संबंधों को ईरान के सामने रखकर मुसलमान भाई भाई के रूप में दोस्ती गाढ़ा कर रहा है। कमाल की बात यह है कि ईरान जिसके लिए पाकिस्तान सामान्य रहा है उसके करीब जाकर अपने मंतव्य पूरे करने का काम कर रहा है। ईरान जानता है कि उसे अन्य किसी देश के मुकाबले पाकिस्तान से परमाणु तकनीक आसानी से उपलब्ध हो सकती है। ईरान ने जिस प्रकार यह दावा किया कि वह अपना संवर्धित यूरेनियम कुछ ही घंटों में 3.6% तक बढ़ा सकता है, वह आसान नहीं है। इसके लिए बेहद ही कठिन तकनीक का इस्तेमाल होता है, जबकि ईरान के पास इतनी वैज्ञानिक क्षमता अभी तक विकसित नहीं हुई है। जो देश अपने मुल्क में ढंग की एक बंदूक नहीं बना सकता, वह किस आधार पर परमाणु बम बनाने के लायक हो गया है। यह जरूरी है कि वैश्विक शक्तियां उन स्रोत का पता लगाएं जिनके बल पर ईरान परमाणु बम बनाने के दावे कर रहा है। ईरान पर शक्ति जरूर हो, लेकिन उन देशों पर भी लगाम कसी जाए जो भीतरखाने ईरान की मदद कर रहे हैं। खास बात यह है कि जब भी ऐसी जांच होगी तो इसमें पाकिस्तान का नाम सबसे पहले और सबसे ऊपर आएगा, क्योंकि यह मुल्क इस देश का पड़ोसी भी है और परमाणु क्षमता से लैस भी। ऐसे में आवश्यक है कि इजराइल भी केवल ईरान को धमकी देकर औपचारिकता नहीं करे, बल्कि मोसाद को मिले पाकिस्तानी मिलीभगत के सबूतों के आधार पर पाकिस्तान की खटिया खड़ी करे, जिससे इस दुनिया को उद्दट ईरान के परमाणु खतरे से बचाया जा सके। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।